नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि सरकारों का कर्तव्य ये होता है कि कानून व्यवस्था को लागू करें। अभी मुझे डिटेल्स नहीं मालूम कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं, इसलिए उस पर टिप्पणी करना गलत है। आज भी जो बैठक हुई है, क्या के बाद ही एसपी को हटाया था, डीएम को हटाया था, क्या मुख्यमंत्री जी को पहले नहीं पता लग पाता इन सब चीजों के बारे में? पता लगता होगा, पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं करते। अब इस प्रदेश में ये स्थिति है कि महिला को अपने घर से निकलते हुए असुरक्षित अपने आप को वो समझती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस उन्नाव के केस में भी 4 महीने लगे एफआईआर दर्ज करने में, और एफआईआर तभी दर्ज हुआ जब न्यायालय ने कहा कि दर्ज कराइए। तो सरकार को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि महिलाओं के पक्ष में है वो या अपराधियों के पक्ष में। आज जो बैठक, ये निर्णय लेना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। कानून में वो निर्भय कांड के बाद कानून बहुत स्पष्ट बन गया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के उसमें वो प्रोविजंस थे, तमाम प्रोविजंस थे, उसको लागू करना है। अब अगर एक प्रदेश में ये स्थिति आप बनाएंगे कि किसी महिला के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और आप एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे 4 महीनों के लिए, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो अपराधी है वो 2 महीने में उसको आप बेल पे छोड़ देंगे, तो आप कानून व्यवस्था को लागू नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप उसी कानून को लागू करें तब ये कम होगा। बस यही बात, जनता एनकाउंटर को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपको नहीं लगता है कुछ जुडिशियल रिफॉर्म।